ये जो आप देख रहे हैं ये अटल पथ है, यही सामने में रोड के उस साइड में थोड़ा दूर आगे में आपको एएन कॉलेज हो जाएगा, एएन कॉलेज है और ये 6 लेन है। इसमें ये सामने अगर आप जा रहे हैं तो ये आपको हड़ताली की तरफ जाती है, मतलब एएन कॉलेज होते हुए शिवपुरी होते हुए, मतलब 2 किलोमीटर आगे आपको शिवपुरी सब्जी मंडी होगा। और फिर इधर से अगर आप चलते हैं तो ये आपको राजीव नगर साइड में चला जाता है। तो ये जो प्लॉट है फुली कॉमर्शियल प्लॉट है, ये अटल पथ है, मतलब अटल पथ के ऊपर भी ये प्लॉट है। और जो प्लॉट होगा वो ये जो देख रहे हैं आप यहीं से है, मतलब ये जो लोकेशन है यहाँ से आपको इसका फ्रंट आएगा, देख रहे हैं मेन अटल पथ पे यहाँ तक इसका फ्रंट आएगा। ये जो केपीपी में देख रहे हैं आप, मतलब ये जो पोल है इस पोल से आपको इस पिलर तक जो है इसका फ्रंट आ रहा है, और उसके बाद इसी पिलर से सीधा उस रोड तक है। ये मतलब 2 कट्ठे का प्लॉट है, जो गाड़ी लगा हुआ है इसी प्लॉट पे लगा हुआ है और दोनों साइड से रास्ता है, वो 20 फीट का रास्ता हो गया। और ये जो है आपको, और ये तो आपको 6 लेन है अटल पथ। तो कॉमर्शियल प्लॉट के लिए जिनको भी नीड था, अगर पट्टा में कोई कॉमर्शियल प्लॉट चाहते हैं, और सबसे बड़ी खासियत है ना कि इस लोकेशन का, यहाँ जस्ट बगल में आप 1 किलोमीटर आगे से पूरी सब्जी मंडी है और इधर से टर्निंग करके आप उस साइड का जो इलाका है वो बोरिंग रोड हो गया। ये सामने देख रहे हैं वो जो मकान है वो बोरिंग रोड का मकान है उस साइड, या पाटलिपुत्रा कॉलोनी या एएन कॉलेज, काफ़ी टॉप लोकेशन है। सचिवालय एकदम सामने में है, यहाँ से एकदम सामने में आप सचिवालय जा सकते हैं। पटना जंक्शन जाने में यहाँ से मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगा आपको। तो कॉमर्शियल प्लॉट है, फुली कॉमर्शियल, और ये सीधा आपको जो है मरीन ड्राइव के ऊपर में जाती है ये रोड सीधा। अब यहाँ से ही आप, यहाँ से लैंडिंग है, ये जो है आपको इसमें दोनों साइड से, इधर से आपको 40 फीट फ्रंट आएगा मेन रोड से, और उस साइड से भी आपको 40 फीट फ्रंट आएगा। वो 20 फीट का रोड हो गया, ये 6 लेन हो गया। और पोजीशन में है, पेपर इसका क्लियर है, ये आपको खानदानी ज़मीन है, मतलब खतियानी है, इसका खतियान वगैरह तमाम चीज़ अवेलेबल है। ज़मीन मालिक काफ़ी फेयर लोग हैं, और आप आके इनका प्रॉपर्टी का देख सकते हैं पेपर वगैरह। अगर आप लेना चाहेंगे, किसी को कॉमर्शियल अगर चाहिए तो ये लोकेशन काफ़ी बेहतर है। देख लीजिए दोनों साइड से, ये पूरा ज़मीन इन्हीं का है, ये जो आगे बालू रखा हुआ है ये भी ज़मीन इन्हीं का है, लेकिन ये उतना दूर नहीं देंगे, मतलब उतना दूर वो खाली रखेंगे, बाकी जो फ्रंट मिलेगा आपको यहीं से मिलेगा, इस पोल से लेके यहाँ तक ये 40 फीट का फ्रंट आएगा आपको, और उस रोड से भी 40 फीट का फ्रंट आएगा। 2 कट्ठे का पूरा प्लॉट है, और ये एरिया जो रहेगा हमेशा ओपन रहेगा। इनको एक यहाँ पे जो है कुछ कुछ अपने काम के लिए प्रतिमा वगैरह कुछ बनाना है इनको किसी का, तो वो है, वो रहेगा वहाँ पे। बाकी ये देंगे आपको यहाँ से 40 फीट फ्रंट और उस साइड से भी 40 फीट फ्रंट, मेन अटल पथ पे देख रहे हैं। किन्हीं को भी अगर पाटलिपुत्रा लोकेशन के लिए चाहिए या बोरिंग रोड लोकेशन के लिए चाहिए, तो वो सब लोकेशन यहाँ से एकदम काफ़ी नज़दीक पड़ेगा आपको, चाहे बोरिंग रोड की बात कर ले, पाटलिपुत्रा की, देख सकते हैं रोड सीधा, ये काफ़ी सुंदर लोकेशन है ये, मतलब इससे अच्छा लोकेशन कॉमर्शियल के लिए नहीं हो सकता है, कॉमर्शियल के लिए काफ़ी अच्छा लोकेशन है। चाहे बोरिंग रोड से भी नज़दीक है, पटना जंक्शन डायरेक्ट ये आर ब्लॉक चली जाती है, ये सड़क जो ये अटल पथ है ये डायरेक्ट आर ब्लॉक को चली जाती है। काफ़ी अच्छा प्लॉट है, आप इसको जो है देख सकते हैं। बाकी इसका रेट जो है, जनरली इस रोड पे आपको 2 करोड़ रुपए चलता है ऐसे लोग का जो रेट है, बाकी आप बैठने पे जो है ये आपको काफ़ी कम हो सकता है, वो बैठने पे डिपेंड करता है, क्योंकि रेट ऐसे ओरिजिनल रेट जो है ना, जब तक आप इनसे बैठ के चीज़ों पे बात ना करें तब तक ओरिजिनल रेट जो है सामने नहीं आता है, तो इसलिए आप बैठ के इनसे बात कर लें और देख लें। अगर तुमको कॉमर्शियल चाहिए या 2 आदमी मिलके भी ले सकते हैं, क्योंकि उस साइड से भी 20 फीट का रोड और इस साइड से भी 6 लेन, अगर आप चाहें तो 2 आदमी मिलके ले सकते हैं इसको, बाकी रेट कम हो जाएगा, निगोशिएबल है, इनसे बैठ के आप बात कर लें। धन्यवाद।